आपके घर में भी है एक नहीं दो नहीं सैकड़ों समस्याएं। बेटी जवान हो गई है, शादी नहीं हो रही। बेटा पढ़कर बैठा हुआ है, नौकरी नहीं हो रही। घर में सबकी तबीयत खराब हो रही है, पति को दफ्तर में समस्याएं हो रही है, आपको घर में समस्याएं हो रही है। पड़ोस से भी जब कुछ सुनने को मिलता है तो कुछ बुरा ही सुनने को मिलता है और आपका मन बिल्कुल अस्त व्यस्त रहता है। कोई कहता है किसी ने टोना टोटका कर दिया है आपके घर में, तो कोई कहता है कि तुम्हारे कर्म ही खराब है इसीलिए तुम्हारे घर में इतनी सारी समस्याएं हैं। यदि बहुत सारी नकारात्मक चीजों ने आपके जीवन को घेर लिया है तो एक पौधा है जिसे अपने घर में केवल लगा देने मात्र से आपके जीवन की कई समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। अक्सर औरतों ने, महिलाओं ने मुझे लिखा है कि दीदी कई समस्याएं हमारे घर में, मैं क्या बताऊं। पति से भी झगड़े हो रहे हैं, सास ससुर भी मुझे परेशान करते हैं, बच्चे कहना नहीं सुनते। एक समय बीत जाने के बाद औरतें मानसिक रूप से परेशान हो जाती है घर की समस्याओं को देखकर। तब लेकर आई हूँ एक छोटा सा अद्भुत उपाय। गुरु पुष्प योग जो होता है, गुरु पुष्य योग होता है, दिन में एक समय आता है, हर दिन तो नहीं आता, आप पंचांग देख लीजिए। हल्दी का पौधा सप्ताह के कोई भी दिन एक हल्दी का पौधा खरीद कर ले आए और गुरु पुष्य योग में उस हल्दी के पौधे को अपने घर के पश्चिम दिशा में, यदि पूरब का घर है आपका तो घर के पीछे भाग में, यदि उत्तर का घर है तो घर के बाएं भाग में, ध्यान दें अपने घर के पश्चिम की दिशा में हल्दी का पौधा किसी गमले में लगा दें। नित्य उसकी सेवा करें, आते जाते उन्हें प्रणाम करें। जैसे हम किसी बड़े को देख लेते हैं तो नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, प्रणाम चाचा जी, है ना? मतलब क्या, उन्हें हम प्रणाम क्यों करते हैं? उसके बदले हमें पैसे तो नहीं मिलते ना, कोई सोना चांदी मिलता है। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, तो मैं कैसे बताऊं कि मैं आपका सम्मान करती हूँ? तो आते जाते यदि बिल्कुल पास में ना हो, काफी दूरी होती है, तो हम मुख से कुछ नहीं कहते, है ना? हम ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं ताकि हमारा सम्मान आप तक पहुंचे, और जब सामने वाले तक हमारा सम्मान पहुंचता है तो हमें उसके बदले कुछ मिलता है। एक मनुष्य भी जो साधारण होते हैं वो कहते हैं क्या, जीते रहो, खुश रहो, सुखी रहो। एक साधारण व्यक्ति जिसके पास देने के लिए सुख नहीं होता, वह भी हमें कहता है सुखी रहो, और हमें सच में वो आशीर्वाद मिलता है। तो ये जो हल्दी का वृक्ष होता है, ये देव वृक्ष होता है, सबसे पवित्र वृक्ष होता है। इसे छोटे रूप में पौधे में, गमले में लगा दें, जब नजर पड़े तब प्रणाम कर लीजिए, कुछ नहीं ऐसे करके चले जाइए। और जिस दिन भी रवि पुष्य योग हो, देख लीजिए पंचांग में, इस पर दूध अर्पण करें, जल अर्पण करें, इसका नमन करें। इसे मात्र लगा देने से घर में जो विवाह अटका है किसी बच्चे का, किसी बच्ची का विवाह संपन्न हो जाएगा, नौकरी के लिए कोई इंतजार कर रहा है नौकरी हो जाएगा। मतलब भगवान बृहस्पति देव की ऐसी कृपा बरसेगी आपके घर पर कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि एक पौधा हमारे घर में इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। जरूर करें, अपना कमेंट, मेरे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव अवश्य साझा करें, क्या हो रहा है बदलाव आपके जीवन में, मुझे भी बताएं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।